तो मित्रों नमस्कार, आज कृषि भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान के अंतर्गत कक्षा 11 एग्रीकल्चर में कृषि भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान के अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा आपेक्षिक घनत्व। क्या होगा? रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, क्या समझेंगे आज हम आज के वीडियो में? रिलेटिव डेंसिटी के बारे में आज हम पढ़ेंगे, विचार करेंगे कि रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है। रिलेटिव डेंसिटी समझने से पहले सबसे पहले हम समझें डेंसिटी क्या है। सबसे पहले हम क्या समझें? डेंसिटी क्या है, डेंसिटी का मतलब घनत्व क्या है। जब हम घनत्व समझ जाएंगे तब आपेक्षिक घनत्व भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले हमें क्या समझना की जरूरत है, ये घनत्व क्या होता है, घनत्व से आपका क्या उम्मीद है। ठीक है, जैसे हम कोई समान आयतन, देखिए समझ आप समझ लीजिए, कोई समान आयतन का एक आप समान आयतन के दो चीजें ले लें, आप दो चार चीजें और बनाता हूँ। एक ये मान लिया, एक ये आयतन है, एक ये आयतन है, बराबर है, ये क्या है, बराबर बराबर तीन घेरे बने हैं। ठीक है, ये भी इसके बराबर ही है, थोड़ा छोटा हो गया, बराबर ही है। ठीक है, ये तीन घेरे बने, मान लो ये लोहे का है, ये मान लो फाइबर का है, समझ गए, ये मान लो लकड़ी का है। तो इसमें तुम्हें सबसे हल्का कौन सा महसूस होगा? फाइबर का। उससे वजन लकड़ी का, उससे वजन लोहे का। तो इनमें लोहे का जो टुकड़ा होगा वो ज्यादा तुम्हें भारी प्रतीत होगा, जबकि आयतन बराबर है। आयतन तीनों का ही क्या है, बराबर है, लोहे का भी है, फाइबर का भी है, लकड़ी का भी, तीनों के आयतन बराबर है, फिर भी लकड़ी का टुकड़ा जो है वो ज्यादा वजन है। वो क्यों वजन है ये बताना है आपको, क्यों वजन है, क्योंकि लोहे के जो अणु होंगे वो लकड़ी की अपेक्षा ज्यादा ज्यादा पास पास में होंगे। लोहे के जो अणु होंगे वो लकड़ी की अपेक्षा क्या होंगे, ज्यादा ज्यादा पास में होंगे। इनके जो बीच का अंतराणविक स्थान है, अंतराणविक स्थान के बारे में आप लोगों ने सुन रखा होगा, पढ़ रखा होगा कि प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर बना है। प्रत्येक पदार्थ काहे से मिलकर बना है बच्चा? अणुओं से मिलकर बना है, छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। इन कणों को ही हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। इन कणों को हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और इन अणुओं के बीच में एक स्थान, खाली जो स्थान होता है उसे हम क्या कहते हैं, अंतराणविक स्थान। क्या कहते हैं? रंध्रावकाश कह सकते हैं, समझ गए, रंध्रावकाश, अंतराणविक स्थान। फाइबर में इसकी अपेक्षा ये दूर दूर है, कण क्या है, दूर। लकड़ी में फाइबर से तो नजदीक है लेकिन लोहे से दूर दूर है। लकड़ी से तो लकड़ी में जो लोहे से तो दूर है लेकिन फाइबर की अपेक्षा नजदीक नजदीक है। आपको तीनों में स्पष्ट दिख रहा होगा किसके अणु किसके नजदीक है किसमें। तो जिसके अणु ज्यादा पास पास, जिसके अणु ज्यादा पास पास है, ध्यान से समझेंगे, लोहे का अणु सबसे ज्यादा पास पास है। तो जब ज्यादा अणु पास पास होंगे तो उनके बीच में अंतराणविक स्थान कम होगा, मतलब उसमें वायु की मात्रा कम होगी, अणुओं की संख्या ज्यादा होगी, इसीलिए ये इसका वजन ज्यादा है। मतलब कहने का यह है कि लोहे में अणुओं की जो संख्या है उनका घनत्व ज्यादा है, समझ गए, अणुओं का घनत्व मतलब घने ज्यादा है इनके अणु। इनके अणु दूर दूर है, लकड़ी के अणु दूर दूर है और फाइबर के अणु उससे भी दूर है। तो जिस पदार्थ के अणु जितने ज्यादा दूर होंगे वो उतना हल्का प्रतीत होगा, समझ गए, आयतन भले बराबर हो, अणु जितने दूर होंगे वो उतना हल्का प्रतीत होगा, समझ गए। जैसे थर्माकोल, थर्माकोल भी ठोस होता है। थर्माकोल आपने देखा है ना, टीवी वगैरह, रेफ्रिजरेटर वगैरह गत्ते में रख के आता है, वो थर्माकोल साइड में लगा रहता है, समझ गए। अब वो ठोस ही होता है कि द्रव तो नहीं है, गैस तो नहीं है, है तो ठोस ही, लेकिन उसको ऐसे उड़ा दो हवा में तो हवा की तरह उड़ता चला जाता है नहीं, तो वो कितना हल्का होता है। मीन्स उसके बीच में अंतराणविक स्थान, उसके अंदर वायु की मात्रा बहुत ज्यादा है, समझ गए, इसीलिए वो क्या होता है, हल्का, समझ गया। लोहे का अगर लगा दे तो लोहे का तो वजन हो जाएगा, बात समझ गया ना, लोहा उसी अनुपात में ले ले तो लोहा वजन हो जाएगा, नहीं समझे। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है बताओ, हाँ इसका कारण है, इसके अणु जो है बहुत पास पास है, बहुत घने हैं। लोहे के अणु क्या है, बहुत पास पास है, घने, घने का मतलब, घने को अंग्रेजी में कहते हैं डेंस, घने को क्या कहते हैं, डेंस।
आप फसलें बोते हैं, आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, आप फसलों को बोते हुए आपने देखा होगा कभी कभी हमारे गेहूं या सरसों होते जाते कहते हैं बहुत घने गेहूं हो गए, बहुत घने गेहूं हो गए, बहुत बिकरे गेहूं हो गए, बिरे गेहूं हो गए। बिरे का मतलब जो बीज है वो दूर दूर गिर गया। बीज क्या है? गिर गया। घने का मतलब बीज पास पास आ गया, मतलब कम जगह में ज्यादा बीज डाल दिया, कम जगह में ज्यादा बीज डाल दिया तो गेहूं घने हो गए। इसीलिए कौन सी बुवाई सबसे बढ़िया उपयुक्त रहती है? सीड ड्रिल। सबसे उपयुक्त बुवाई कौन सी रहती है? क्या सीड ड्रिल की सहायता से बोए तो अपनी निश्चित दूरी पर गेहूं का दाना गिरेगा, बीज गिरेगा, समझ गए? तो उससे बुवाई अच्छी होगी, पैदावार अच्छी होगी, ना घने होंगे ना बिगड़े होंगे। बात समझ में आ रही ना? तो मतलब जब बीज नजदीक नजदीक आ गया, मतलब अणु नजदीक नजदीक आ गए, अणु क्या हो गए? घने हो गए। अणु इसके अंदर लोहे के अंदर कैसे हो गए? घने हो गए। जब उसी आयतन में लकड़ी या फाइबर के अणु दूर दूर हैं, लकड़ी या फाइबर के अणु क्या हैं? दूर दूर हैं, समझ गए? विज्ञान में इस प्रकार को हम ऐसे कह सकते हैं कि लोहे का घनत्व लकड़ी के घनत्व से अधिक है, लोहे का घनत्व लकड़ी के घनत्व से अधिक है और लकड़ी का घनत्व फाइबर के घनत्व से अधिक है, समझ गए? अणुओं को देखकर हम कैसे कह सकते हैं लोहे का घनत्व लकड़ी के घनत्व से अधिक है और लकड़ी का घनत्व लोहे और फाइबर के घनत्व से अधिक है, समझ गए? अर्थात घनत्व का सूत्र क्या बन जाएगा, घनत्व की परिभाषा क्या बनेगी इसके आधार पर? अगर हम इसका क्षेत्रफल एकांक ले लें, आयतन क्या ले लें इसका? एकांक, सॉरी क्षेत्रफल नहीं, यहाँ पे आयतन, एकांक आयतन ले लें इसका, मान लो वन मीटर क्यूब है, वन मीटर क्यूब इसका भी आयतन है, वन मीटर क्यूब इसका भी आयतन है, समझ गए? इसके सभी भुजाएं वन मीटर, वन मीटर, वन मीटर नहीं, और सबका आयतन कितना है? वन मीटर क्यूब। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? किसी पदार्थ के एकांक आयतन का द्रव्यमान, किसी पदार्थ के एकांक आयतन का द्रव्यमान, किसी पदार्थ के एकांक आयतन के द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं, समझ गए? किसी पदार्थ के एकांक आयतन के द्रव्यमान को, किसी पदार्थ के एकांक आयतन के द्रव्यमान को, किसी पदार्थ के एकांक आयतन के द्रव्यमान को उस पदार्थ का हम क्या कहते हैं? घनत्व डेंस कहते हैं, समझ गए? किसी पदार्थ के एकांक आयतन का द्रव्यमान, किसी पदार्थ के एकांक आयतन का द्रव्यमान को उस पदार्थ का हम क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। मान लिया इसका द्रव्यमान यम है, मान लिया इसका द्रव्यमान क्या है? एक कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान यम है, एक कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान यम है और आयतन इसका वी है, आयतन इसका क्या है? वी है। कोई पदार्थ जिसका द्रव्यमान यम है और आयतन क्या है? वी है। तो घनत्व डी, घनत्व डी इज इक्वल टू यम अपान वी, यम अपान द्रव्यमान बटे आयतन, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो इसका हिंदी में अगर सूत्र लिख लें तो d माने घनत्व हो जाएगा, m माने क्या हो जाएगा? द्रव्यमान हो जाएगा, और v माने क्या हो जाएगा? आयतन हो जाएगा। लड़के अगर यहां से इसका हम मात्रक निकालना चाहें तो क्या निकलेगा? यहां से मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? देखिए d, d का मतलब घनत्व हो गया, द्रव्यमान का मात्रक क्या हो गया? किलोग्राम, और आयतन का मात्रक मीटर क्यूब। अर्थात MKS पद्धति में या SI पद्धति में, MKS पद्धति में या SI पद्धति में घनत्व का मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अभी इसको हम CGS में कन्वर्ट करें तो CGS में घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा? ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर हो गई बात? ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। किस पद्धति में? CGS पद्धति में घनत्व का मात्रक ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। CGS पद्धति में घनत्व का मात्रक ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है, जबकि SI और MKS पद्धति में किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। आगे बढ़ते हैं। बच्चा 4 डिग्री सेंटीग्रेड के जल का घनत्व, 4 डिग्री सेंटीग्रेड के मतलब ऐसा जल जिसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो, ऐसा जल जिसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो, ऐसा जल जिसका टेम्परेचर कितना हो? 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो, ऐसा जल जिसका टेम्परेचर कितना हो? 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो उसका घनत्व 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है।
तो इसका क्या, इसका घनत्व क्या होता है? एक ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। ऐसा घन, ऐसा ऐसा जल जिसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो उसका घनत्व क्या हो जाएगा? एक ग्राम प्रति डिग्री एक ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। और यह जल का सर्वाधिक घनत्व होता है। तो आपसे ये भी पूछ लिया जाता है किस ताप पर जल का सर्वाधिक घनत्व होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का सर्वाधिक घनत्व होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर बढ़ने पर जल का घनत्व घटता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर बढ़ने पर जल का घनत्व घटता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जाने पर भी जल का घनत्व घटता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड की ओर बढ़ने पर बढ़ता है। समझ गए? मान लिया हम इसको जीरो मान ले, एक हम क्या मान ले इसको, ऐसे एक नंबर लाइन ले लें और यहाँ पे हम 4 डिग्री सेंटीग्रेड मान लें। यहाँ पे जल का घनत्व हमने जल का टेम्परेचर क्या मान लिया? 4। तो इधर पढ़ेंगे तो प्लस में होगा 5 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर 6 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर 7 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर मान लिया 10 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर ऐसे आ जाएगा 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड इधर आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा? 3 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर -1, -2, ऐसे -50 डिग्री सेंटीग्रेड इस टाइप से। तो हमारा यूनिक इसमें हमने क्या लेना है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड लेना है। यूनिक पॉइंट जो लेना है वो क्या है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर बढ़ रहे हैं, मतलब 5 बढ़ रहा है, 6 बढ़ रहा है, 7 बढ़ रहा है, 8 बढ़ रहा है, 50 बढ़ रहा है, 100 बढ़ रहा है, तब घनत्व घटेगा। ताप तो बढ़ रहा है, ताप तो बढ़ रहा है, ध्यान रख देख रहे हैं आप, ताप 4 था, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 50 हो गया, 100 हो गया, टेम्परेचर बढ़ा। किसका? जल का टेम्परेचर जल का बढ़ा, लेकिन घनत्व घटा। लेकिन घनत्व क्या हो गया? घट गया। समझ गए? घनत्व क्या हो गया? घट गया। मान लिया कोई जल 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर है या 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, 50 से आप उसको 10 लाए तो घनत्व बढ़ेगा, 10 से भी 7 पे लाएंगे घनत्व बढ़ेगा, 6 पे लाएंगे घनत्व बढ़ेगा, 5 पे लाएंगे घनत्व बढ़ेगा, 4 पे आएंगे घनत्व सर्वाधिक हो जाएगा, 4 पे लाएंगे घनत्व सर्वाधिक हो जाएगा। अब फिर 4 से 3 पे ले जाए तो घट जाएगा, क्योंकि अब सर्वाधिक हो गया तो सर्वाधिक के बाद तो घटना ही घटना है। मतलब जैसे आप एक गेंद ऊपर की ओर फेंको, वो मैक्सिमम ऊंचाई पर चली जाए अपनी जितनी जा सकती थी, उसके बाद तो और ऊंचाई पर जा नहीं सकती, उसके बाद तो वो नीचे ही आएगी, फिर तो घटना ही घटना है, फिर तो बढ़ना है नहीं। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड 5 से 4 तक आने में बढ़ेगा, 4 पर सर्वाधिक हो जाएगा, लेकिन 4 से जैसे आगे बढ़ेंगे, 3 पे आ गए कहें तो 3 पे घटेगा, 2 पे और घटेगा, 1 पे और घटेगा, 0 पे एक और घटेगा। अब बर्फ बन जाएगा। अब क्या बन जाएगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड से फिर आगे बढ़ोगे तो बर्फ बनने लगेगा। अब बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, इसीलिए बर्फ जल पे तैरता है। समझ गए? बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, इसीलिए बर्फ जो है जल पर तैरता है। बस क्लियर हो गई ना? अब ऐसे इधर इधर से इधर बढ़े तो 4 की तरफ बढ़ेगा, मतलब ऐसे इधर भी है, 0 से 1 पे जाए तो बढ़ेगा, 1 से 2 पे जाए बढ़ेगा, 2 से 3 पे जाए बढ़ेगा, 3 से 4 पे जाए, 4 पे जाने पर सर्वाधिक हो जाएगा। अब फिर 4 से 5 की ओर बढ़ेंगे घटने लगेगा, क्योंकि 4 ही हमारा सर्वाधिक है। 4 ही हमारा क्या है? सर्वाधिक है। तो जल के घनत्व की बात रही, जल के टेम्परेचर की बात रही, बात मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी, नहीं क्लियर हुई? घनत्व से किसी पदार्थ के हल्के होने का या भारी होने का पता लगाया जा सकता है। जैसे अभी हमने लोहे वाला और एक थर्माकोल वाला आपको एग्जाम्पल दिया, फाइबर वाला लकड़ी वाला एग्जाम्पल दिया, तो इससे क्या पता चल जाता है कौन सी वस्तु वजन है और कौन सी वजन वस्तु हल्की है। ये तो हमें किसी वस्तु के भारीपन का अथवा हल्केपन का आभास हो जाता है, अनुमान लगा लेते हैं। किसके सहायता से? घनत्व की सहायता से। घनत्व की सहायता से हम क्या कर लेते हैं? अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सी वस्तु वजन है और कौन सी वस्तु हल्की है। समझ गए? भारीपन या हल्केपन का एहसास तो हो सकता है। ये पदार्थों के हल्के अथवा भारीपन की तुलना करने के लिए घनत्व के अलग अलग मात्र दिए हों। अब बात समझ लीजिए, अगर कोई पदार्थ है 2 डिब्बों में 2 पदार्थ बंद हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, एक को हम ग्राम सेंटीमीटर प्रति क्यूब में बोल देते हैं, एक आपको हम किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में बोल देते हैं,
तो आप देख उनके मात्रकों को जानकर ये नहीं बता पाएंगे कि कौन सा पदार्थ अलग है, कौन सा पदार्थ भारी है और कौन सा पदार्थ। अगर मतलब मेरे कहने का समझो, अगर पदार्थों के हल्के और भारीपन की तुलना, तुलना मतलब दो पदार्थ हैं और उसमें आपको ये बताना है कि ये पदार्थ हल्का है और ये पदार्थ भारी है, लेकिन उनके मात्रक आपको अलग अलग बताएं, मात्रक उनके क्या बता दें अलग अलग, तब आप ये नहीं बता सकते कि इसमें कौन सा पदार्थ किस पदार्थ से कितना भारी है, आप नहीं बता सकते जब तक उनके मात्रक सेम नहीं करोगे। जब तक उनके मात्रक सेम नहीं करोगे, एक पद्धति में नहीं ले आओगे, तब तक आप ये नहीं बता सकते कौन पदार्थ भारी है कौन पदार्थ हल्का है। बात समझ गए? अलग अलग अगर पद्धतियों में मात्रक दे रखे हो तो आप घनत्व की सहायता से, आप बिल्कुल वैसे तो घनत्व की सहायता से आप भारी या हल्केपन का पता लगा सकते हैं, लेकिन अगर मात्रक अलग अलग पदों में दे दिए जाए तो आप बिल्कुल ये पता नहीं लगा सकते कौन सा पदार्थ भारी है कौन सा पदार्थ हल्का है। बात क्लियर हो गई ना? ठीक है। अच्छा, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, कौन सा पदार्थ किस पदार्थ से कितना भारी है, समझ गए, और कौन पदार्थ भारी है और कौन पदार्थ हल्का है, इसके लिए हमें मात्रकों को पहले एक राशि में बदलना पड़ेगा, समझ गए, तभी आप इसका पता लगा सकते हो, अन्यथा नहीं पता लगा सकते हो। तो घनत्व की भाषा समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से आपको, ठीक है, पूरा तमीज से सीख गए ना घनत्व, घनत्व क्या होता है, घनत्व तो सीख गए। इसके बारे में अब आगे पढ़ते हैं अपना जो हमारा प्रमुख टॉपिक था इस वीडियो का, आपेक्षिक घनत्व। क्या था घनत्व हमारा? आपेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी के बारे में पढ़ते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी होती है, रिलेटिव का मतलब रिलेशन, पर रिलेटिव का मतलब क्या हुआ, रिश्तेदार। रिलेटिव का हिंदी में सीधे सा मतलब समझें अपनी भाषा में, कहे वो तुम्हारे रिलेटिव है मतलब तुम्हारे रिश्तेदार हैं। तो यहां पर सबकी रिश्तेदारी चलती है जो यूनिक हो उससे, बात समझ लेना, रिश्तेदारी किससे चलेगी जो तुम्हारे लिए यूनिक हो, तुम्हारी रिश्तेदारी उससे चलेगी कि इनकी रिश्तेदारी उससे चलने लगेगी। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल यूनिक है, उनकी रिश्तेदारी सबसे चलती है, समझ गए, व्यवहार कुशल। तो अपना जल जो है यहां पर वो व्यवहार कुशल है, जल की रिश्तेदारी सबसे चलती है। मतलब किसी पदार्थ का घनत्व तथा 4 डिग्री सेंटीग्रेड के जल का घनत्व, बात समझ लीजिए, किसी पदार्थ का घनत्व स्वयं का घनत्व, किसी पदार्थ का स्वयं का घनत्व, किसी पदार्थ का घनत्व और 4 डिग्री सेंटीग्रेड के जल का घनत्व में जो अनुपात होता है वही उस पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व कहलाता है, वही उस पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व कहलाता है। मान लिया किसी पदार्थ का तुम्हें क्या चाहिए, आपेक्षिक घनत्व चाहिए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पदार्थ का घनत्व, जिस भी पदार्थ का तुम्हें चाहिए उस पदार्थ का घनत्व तुम्हें पता हो, अब बटे में 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व, तो इसकी रिश्तेदारी हर जगह चलती, इसीलिए ये रिलेटिव डेंसिटी कहलाती है, समझ गए। आपेक्षिक घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, पदार्थ का घनत्व बटे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व। तो हमने आपको क्या बताया, किसी पदार्थ का घनत्व तथा 4 डिग्री सेंटीग्रेड के जल के घनत्व में जो अनुपात होता है, परिभाषा यही से समझे, बिल्कुल बड़ी सिंपल सी परिभाषा, किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व, बहुत क्लियर कट समझे, किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व उस पदार्थ का घनत्व तथा 4 डिग्री सेंटीग्रेड के जल से जो घनत्व का जो अनुपात होता है वही उस पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व कहलाता है। तो आपसे आप पूछ लीजिए परिभाषा भी, आपेक्षिक घनत्व की परिभाषा क्या होती है, तो हम कहेंगे किसी पदार्थ का स्वयं का घनत्व, किसी पदार्थ का अपना घनत्व, समझ गए, तो किसी पदार्थ का घनत्व बटे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व, मतलब इसका बटे की लाइन को क्या बोलते हैं विज्ञान की भाषा में, अनुपात बोलते हैं, बटे की लाइन को विज्ञान की भाषा में क्या बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे, पदार्थ का घनत्व तथा 4 डिग्री सेंटीग्रेड के जल के घनत्व में जो अनुपात होता है, किसी पदार्थ के घनत्व और 4 डिग्री सेंटीग्रेड के जल के घनत्व में जो अनुपात होता है
वही उस पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व कहलाता है। अब देख ले भैया, यहाँ पर हमने एक शब्द क्या पढ़ाया है, अनुपात। और जो चीज अनुपात में होती है, ध्यान देंगे यहाँ पृथ्वी क्या है, ये क्या लिखा, ये क्या लिखा, ऊपर भी घनत्व का मात्रक आएगा, नीचे भी घनत्व का मात्रक आ गया, ऊपर भी घनत्व का मात्रक आएगा, पदार्थ का घनत्व हो गया, नीचे 4 डिग्री सेंटीग्रेड जल का घनत्व हो गया, दोनों घनत्व घनत्व हो गए, दोनों मात्रक आपस में क्या जाएंगे, कट जाएंगे, अर्थात ये जो आपेक्षिक घनत्व आएगा ये शुद्ध रूप से अनुपात आएगा, क्या आएगा, शुद्ध रूप से अनुपात आएगा, अर्थात इसका कोई भी मात्रक, अब जब मात्रक नहीं तो बीमा भी नहीं, ध्यान से समझ लें, जब मात्रक नहीं तो बीमा भी नहीं, बात समझ गए, तो अपेक्षित घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता, अपेक्षित घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता, अपेक्षित घनत्व का सूत्र क्या बन जाएगा, पदार्थ का घनत्व बटे 4 डिग्री सेंटीग्रेड का जल का घनत्व, परिभाषा क्या बन जाएगी, किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व उस पदार्थ का घनत्व तथा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल के घनत्व का जो अनुपात होता है वही उस पदार्थ का अपेक्षित घनत्व कहलाता है, समझ गए, ये शुद्ध संख्या होती है, अपेक्षित घनत्व क्या होती है, शुद्ध संख्या, अतः इसका कोई मात्रक अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने की 4 विधियां हैं, अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने की विधियां पूछी जाती हैं, कितनी विधियां हैं, 4 विधियां हैं, अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने की कितनी विधियां हैं, 4 विधियां हैं, पहली विधि है अपेक्षित घनत्व बोतल द्वारा, पहली विधि है अपेक्षित घनत्व बोतल द्वारा, दूसरी विधि है निकल्सन हाइड्रोमीटर द्वारा, दूसरी विधि है निकल्सन हाइड्रोमीटर द्वारा, तीसरी विधि है आर्किमिडीज के द्वारा, आर्किमिडीज के सिद्धांत से, तीसरी विधि है आर्किमिडीज के सिद्धांत से, और चौथी विधि है हेयर के उपकरण से, चौथी विधि है हेयर के उपकरण से। अब आप यहाँ पे समझ लें, आपकी किताब में आपके सिलेबस में जो पिछले साल तक थी वो 2 विधियाँ थी, पहली विधि थी अपेक्षित घनत्व बोतल और दूसरी विधि थी निकल्सन हाइड्रोमीटर। अपेक्षित घनत्व बोतल कोरोना काल के कारण 30% जो कोर्स आपका हटा है उसमें हटा दिया गया है, अब सिर्फ और सिर्फ निकल्सन हाइड्रोमीटर बचा है आपके सिलेबस में। तो निकल्सन हाइड्रोमीटर इस बार की परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है और 100% आने की इसकी उम्मीद है। तो अब अगले वीडियो में आपको हम आपको पढ़ाएंगे निकल्सन हाइड्रोमीटर द्वारा अपेक्षित घनत्व ज्ञात करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसको आप सबको याद करना चाहिए यदि आप अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो। धन्यवाद। शेष निकल्सन हाइड्रोमीटर आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड होगा। धन्यवाद।